तो सचिन पायलट का बड़ा दावा, बोले यूपी में हार का सामना करेगी बीजेपी, कांग्रेस होगी विकल्प। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। तो पायलट ने कहा कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में हार का सामना करेगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का बड़ा हमला। सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई और लखीमपुर खीरी के अलावा कई मामलों में बीजेपी को घेरा है। पायलट ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में खुद को एक विकल्प के रूप में पेश करेगी। तो पायलट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महंगाई से परेशान जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी लोगों की समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहने वाले लोगों से संबंधित मुद्दा को उठाने में कांग्रेस सबसे आगे रही है। बीजेपी सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। प्रियंका किसानों के साथ हुए उत्पीड़न के खिलाफ लड़ रही हैं, महिला व बेटियों के सम्मान के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। उन्होंने उपचुनाव का भी जिक्र किया। जिस तरीके से परिणाम आए हैं वो साफ संकेत है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार हार का सामना करेगी। तो आइए आपको सुनाते सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। देश भर में उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उससे बात स्पष्ट है कि देश भर में जो महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है, किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं, पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, खाद मिल नहीं रही, इससे लोग नाराज हैं और जो व्यवस्था को चौपट करने का काम केंद्र सरकार ने किया है उसके विरोध में वोट पड़ा है। हिमाचल में पूरा स्वीप कांग्रेस पार्टी ने किया है, राजस्थान में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए वहाँ भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर है, कहीं जमानत जब्त हो रही है, कहीं चौथे नंबर पर है। भाजपा जब सरकार में थी तो शासन चलाने लायक पार्टी नहीं रही और दुर्भाग्यवश आज वो विपक्ष के लायक पार्टी नहीं बची है। तो अंतर्विरोध है, लोगों ने बिल्कुल नकार दिया है और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो शानदार जीत हुई है दोनों उम्मीदवारों की, वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगी। राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया है उसको जनता ने स्वीकार किया है और चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह शानदार प्रदर्शन रहा है। लोग अब थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और भाजपा के शासन से लोग बहुत परेशान हैं, बस स्थापित हो चुकी है।